तो मैं हूँ पिंकी पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यानी कि अब देखो, मैंने ना यहाँ पर एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की लिखा हुआ है। हायरार्की होती क्या है? एक ऑर्डर होता है हमारे पास में, यानी कि किसी चीज को जब हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो हमारी हायरार्की हो जाती है। जैसे कि हम बात करें, हमारे ग्रैंडफादर है, ठीक है, हमारे फिर पापा हैं, मतलब कि जैसे हमारे क्या होगी, एक तो हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर वाली जनरेशन होगी, फिर हमारे मदर फादर वाली होगी, फिर हमारी होगी। तो एक तरीके की हायरार्की है ना हमारे पास में यहाँ पे। तो ठीक इसी तरीके से जब हम बात करते हैं हम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग, तो वहां पर भी एक हायरार्की होती है, यानी कि एक ऑर्डर होता है। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर हमारे पास में ये सब आते हैं। अब इनको बोलते क्या है, तो यहाँ पर जो आपके यहाँ पे जैसे किंगडम लिखा हुआ है, फाइलम लिखा हुआ है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। तो इसके हरेक, इस हायरार्की के हरेक लेवल को हम बोलते हैं, या तो हम यहाँ पे इसको टैक्सोन बोलते हैं या फिर हम इसको यहाँ पे बोलते हैं रैंक। ठीक है, या तो हम इसको क्या बोलेंगे, टैक्सोन, या फिर हम क्या बोलेंगे, रैंक। यानी कि जो हायरार्की का हरेक लेवल है उसको टैक्सोन या फिर रैंक से जाना जाता है। ठीक, अब जो ये हायरार्की है इसको हम याद कैसे रखेंगे, इसका मतलब क्या है? देखो, सबसे नीचे मैंने स्पीसीज लिखा है, मतलब कि इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की की जो बेसिक यूनिट है बिल्कुल आपकी, यानी जहां से सब कुछ शुरू होता है, वो हमारा स्पीसीज कहलाती है। यानी स्पीसीज क्या है, बिल्कुल आपकी फंडामेंटल या फिर बिल्कुल आपकी बेसिक यूनिट है इस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की। ठीक है, अब स्पीसीज आ गया, स्पीसीज से ऊपर हमारा आता है जीनस, यानी कि स्पीसीज, जब बहुत सारे स्पीसीज मिल जाएंगे तो वो जीनस बनाएंगे, जब बहुत सारे जीनस बन जाएंगे मिल जाएंगे तो वो फैमिली बनाते हैं, जब बहुत सारी फैमिली मिल जाती है तो वो ऑर्डर बनाती है, बहुत सारे ऑर्डर मिलकर क्लास बनाती है, बहुत सारी क्लासेस मिलकर फाइलम बनाती है, और बहुत सारी फाइलम मिलाकर बनाती है हमारी किंगडम। यानी किंगडम क्या है, आपकी हाइएस्ट यूनिट है या फिर आपका हाइएस्ट रैंक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की का। ठीक है, यहां तक की बात। अब देखो, यहाँ पर हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पे ना एक सीक्वेंस दे रखा, मतलब अब ये तो मैंने ऐसे याद करके लिख रखे हैं। अब अगर आपको ना याद हो तो उसकी एक ट्रिक होती है, और वो ट्रिक क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में ट्रिक है, ट्रिक है कीप पॉट क्लीन, कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। कैसे हो गया आपका किंगडम, पी से हो गया फाइलम, सी से हो गया क्लास, ओ से हो गया ऑर्डर, यहाँ पे फैमिली तो फैमिली ही है, जी से हो गया जीनस, और एस से क्या हो गया, स्पीसीज। होगी सीरीज याद हमारे पास हाईएस्ट से लेकर लोवेस्ट तक की, इस वाली ट्रिक से। अब देखो, हम सबसे पहले स्पीसीज से शुरू करते हैं। यहां पर मैंने हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ इसको अरेंज कर रखा है। तो हम स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज आपकी सबसे बेसिक यूनिट है हमारे पास में। ठीक है, अब देखो, जब बहुत सारे स्पीसीज मिलते होंगे तो वो जीनस बनाते होंगे। कैसे? अब मान लिया मैंने यहाँ पे जीनस लिया रखा है, पैंथेरा जीनस मैंने लिया है। ठीक है, जब भी हम कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, जिसमें से पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, जेनरिक नेम, और बाद वाले को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। इसको हम क्या बोलते हैं, पहले वाले को हम नाम देते हैं जेनरिक नेम, और बाद वाले को हम क्या नाम देते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, हमारे पास में ये हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में देखा था। ठीक है, यहां तक की बात हमारे पास में। तो अब देखो, जेनेरा क्या है यहाँ पर, यानी जेनरिक नेम क्या है, पैंथेरा। यानी कि इस पैंथेरा जीनस के अंदर आपके दो स्पीसीज आते हैं। जैसे कि मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ दो स्पीसीज आएंगे, बहुत सारे स्पीसीज आते हैं, पर हम एग्जांपल दो का लेकर चल रहे हैं। जैसे इस पैंथेरा जीनस के अंदर आपके दो हमारे पास में स्पीसीज हैं, एक है पैंथेरा लियो और एक है पैंथेरा टिग्रिस। यानी लियो और टिग्रिस आपके यहाँ पे स्पीसीज है। तो अब यहाँ पे देखो, जब हम पूरा नाम लिखते हैं पैंथेरा लियो, यानी हम किसी एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, पैंथेरा लियो हम लायन को बोलते हैं और पैंथेरा टिग्रिस हम टाइगर को बोलते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि लायन और टाइगर दोनों अलग अलग स्पीसीज थे,
दोनों अलग अलग एनिमल होते हैं पर उनके कुछ करेक्टर आपके एक दूसरे के साथ में मैच करते थे और उनके एक दूसरे के साथ करेक्टर मैच करने की वजह से ही हमने उसको रख दिया जीनस के अंदर। यानी कि स्पीसीज के अंदर तो हम बिल्कुल उनके अलग अलग करेक्टर को पढ़ेंगे, जीनस में उससे थोड़ी सी हायर कैटेगरी आ जाएगी, यानी अगर उनके थोड़े कुछ कॉमन करेक्टर है तो हम उसको किसमें रख देंगे, जीनस के अंदर। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ यहाँ पर जाते चले जाते हैं ना हाईएस्ट ऑर्डर की तरफ, तो हमारे कॉमन करेक्टर मतलब जिनमें भी अगर मान लिया कि हम सारे के सारे इंसान हैं तो हम क्या ले लेंगे, उन सारे के सारे ग्रुप को ही हम क्या मान लेंगे, हमारा हाईएस्ट ऑर्डर मान लेंगे। समझो देखो बताते कैसे। जैसे देखो यहाँ हमने क्या लिया था, टाइगर और लॉयन की अलग अलग बात करी थी, नेक्स्ट कैटेगरी जीनस में हमने टाइगर और लॉयन को एक ही कैटेगरी के अंदर रख दिया। ठीक, जीनस के आगे आती है फैमिली। जैसे यहाँ पे मैं दो फैमिलीज के बारे में बात करूंगी, फैलिडी फैमिली एंड कैनकेडी फैमिली। ठीक है, जो आपकी फैलिडी फैमिली होती है इसके अंदर आते हैं आपके लॉयन एंड टाइगर, और जो कैनकेडी फैमिली होती है इसके अंदर आपके क्या आते हैं, हमारे पास में डॉग्स आते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। यानी कि हमारे पास में हमने यहाँ क्या देखा, दो फैमिलीज देखी हमारे पास में। हाँ, जैसे ये फैलिडी फैमिली है ना, इसके अंदर आपकी कैट भी आती है हमारे पास में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ तो हमने ऊपर क्या देखा था कि लॉयन और टाइगर को हमने किसमें रखा था, अलग से रखा था। अब हमने फैमिली में क्या देखा कि जिन जीनस की कॉमन प्रॉपर्टी मतलब कॉमन कुछ करेक्टर थे उन सब को इकट्ठा हमने किसमें रख दिया, हमने रख दिया एक फैमिली के अंदर हमने रख दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने लॉयन टाइगर कैट जो थे आपके इन सबको एक ही कैटेगरी के अंदर हमने रख दिया। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब देखो अब आता है ऑर्डर। जैसे हमारे पास में कार्निवोरा एक ऑर्डर है, तो कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर अब आपकी ये फैलिडी वाली फैमिली भी आएगी और कैनकेडी वाली फैमिली भी आएगी, यानी इसके दोनों को इकट्ठा उठा के हमने किसके अंदर रख दिया, एक कार्निवोरा के अंदर। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। यहाँ पर अलग अलग थे, फिर उन दोनों को हमने एक कैटेगरी में रख दिया, फिर यहाँ पर जो अलग अलग थे मतलब कि दो या दो से ज्यादा जीनस ने मिलकर बना दी होगी फैमिली, दो या जैसे दो से ज्यादा फैमिली ने मिलकर क्या बना दिया होगा, ऑर्डर। अब ऑर्डर में दो या तीन से ज्यादा फैमिली ने मिलकर क्या बना दी होगी, क्लास। ठीक है, यानी ग्रुप बढ़ता जा रहा है हमारे पास में। जैसे कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर आपके पास में फैलिडी फैमिली भी आ गई और कैनकेडी फैमिली भी आ गई। यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी हमारे पास में। ठीक है, अब देखो आगे आगे आता है हमारे पास में क्लास। जैसे मैंने यहाँ पे बोल रखा है मैमल क्लास, तो मैमल क्लास के अंदर आपके पास में जैसे इन्होंने देखो दो ऑर्डर को इकट्ठा रख रखा है, यानी कि कार्निवोरा ऑर्डर भी आपका मैमल के अंदर ही आएगा और जो प्राइमेटा ऑर्डर है ये भी आपका किसके अंदर आएगा, मैमल के अंदर। जैसे यहाँ पर हमने फैलिडी जो आपकी फैमिली थी वो भी कार्निवोरा के अंदर आई थी और जो कैनकेडी फैमिली थी वो भी किसके अंदर आई थी, हमारे पास में कार्निवोरा के अंदर आई थी। ठीक है, जैसे हमने क्या रखा था कि मान लिया दो अलग अलग जीनस थे, जैसे एक पैंथेरा जीनस है और एक कोई और जीनस है, तो उन सबको हमने यहाँ पे क्या रख दिया, यहाँ पर हमने रख दिया था इकट्ठा इसके अंदर। ठीक है, अब देखो आगे जैसे फाइलम है और डिवीजन। फाइलम, हाँ यहाँ पे और देखो कार्निवोरा भी हमने पढ़े थे, कार्निवोरा के अंदर लॉग टाइगर टाइगर कैट यानी सब आपके आ जाएंगे, यानी कैनकेडी और फैलिडी दोनों कार्निवोरा के अंदर थे। अब मैमलिया जो आपका क्लास है उसके अंदर एक कार्निवोरा ऑर्डर भी आएगा और साथ में प्राइमेटा वाला भी आएगा, यानी प्राइमेटा में कौन आ जाता है, जैसे मंकी हो गया, मैन हो गया, गोरिल्ला हो गया। ठीक है, हमारे पास में अब है फाइलम और डिवीजन, ये दोनों एक ही के अलग अलग नाम है। अगर हम फाइलम वर्ड यूज करते हैं तो हम बोलते हैं एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं तो हम प्लांट के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे पास में कॉर्डेटा फाइलम है, ठीक है, तो कॉर्डेटा फाइलम यानी मैं एनिमल्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो इस कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आपके पास में मैमल्स भी आएंगे, एम्फीबियंस भी आएंगी और फिशेस भी आएंगी। ठीक है, यानी कॉर्डेटा के अंदर आपके क्या आ जाते हैं ये। अब देखो ऊपर हमने क्या रखा था, मैमल के अंदर हमने किसको रखा था, एक तो कार्निवोरा को रखा था और प्राइमेटा को रखा था। कार्निवोरा से समझे यानी कि डॉग लॉयन कैट, और प्राइमेटा से जैसे कि मॉन्की मैन गोरिल्ला हो गया हमारे पास में। अब इन सबको इकट्ठा ही हमने किसके अंदर रख दिया, अब यानी मैमल के अंदर तो आपके दोनों ये सारे तो सारे आएंगे ही आएंगे, साथ में और साथ में क्या जुड़ गए, एम्फीबियंस भी जुड़ गए, जैसे आपके पास में फ्रॉग वगैरह भी जुड़ गए, फिशेस भी जुड़ गए इसी के अंदर ही। ठीक है,
इससे हायर हमारे पास ऑर्डर आता है किंगडम, जिसको हम हाईएस्ट ऑर्डर बोलते हैं। इसके अंदर जैसे हम बोल सकते हैं कि मान लिया मैंने एनिमल किंगडम बोल दिया, तो एनिमल किंगडम के अंदर आपके कॉर्डेटा तो आएंगे ही आएंगे, साथ में नॉन कॉर्डेटा भी आएंगे। कॉर्डेटा के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जैसे फिशेज हो गए, मैमल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, लेकिन जैसे जो ये छोटे वाले होते हैं जैसे कि पॉरीफेरा हो गया, मोलस्का हो गया हमारे पास में, प्लेटीहेलमेंथेस हो गया, ये जो लीवर फ्लूक वगैरह होते हैं या फिर आप इंटेस्टाइनल वर्म होते हैं हमारे पास में, अब वो सब भी इसी के अंदर आ जाएंगे। यानी जैसे जैसे हम ऊपर की साइड चलेंगे हमारे पास में और जो लोग जुड़ते चले जाएंगे, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो यहां तक हमारा और इस सीरीज को याद रखने की ये वाली हमारी हो गई ट्रिक। अब हम एक वीडियो के अंदर ये और करेंगे कि इन सबके पीछे ना कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि क्लास है या ऑर्डर है, उसके बारे में भी हम जरूर देखेंगे। ठीक है।